मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और बुक लेके आई हूँ। हाँ, फिर से एक बुक लिख दी मैंने, थिंक इट इनटू एग्जिस्टेंस। इसमें एक थ्योरी डिस्कस हो रही है हर चीज़ के बारे में। ये बुक, मैं बता दूँ, एवरेज रीडर्स के लिए नहीं है। इसमें बहुत सारी फिलोसॉफिकल पोएम्स हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके मतलब दोहरी हैं, डबल मीनिंग कह सकते हैं काइंड ऑफ। ये डिपेंड करता है देखने वाले के नज़रिए पे कि देखने वाला पढ़ना कैसे चाहता है उन चीज़ों को। जिस थ्योरी पे ये बुक बेस्ड है वो थ्योरी ये है कि यू कैनॉट थिंक ऑफ समथिंग विच इज नॉट ट्रू, विच ऑल्सो मीन्स दैट वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ इज पॉसिबल एंड हेंस इज ट्रू। अब इन दो स्टेटमेंट्स पे पूरी ये बुक बेस्ड है। ये इसकी एक बहुत ही अलग कहानी है। क्या हुआ था, एक दिन मैं 8th क्लास में थी या 7th में थी, और लाइब्रेरी में बैठे बैठे मैंने एक बुक उठाई, ऐसे ही जनरल मैगजीन टाइप की बुक थी। उसमें एक मर्मेड बनी हुई थी, राइट? तो वो जो मर्मेड बनी हुई थी ना, उससे मेरे दिमाग में वहाँ पे, मतलब लाइब्रेरी में पिन ड्रॉप साइलेंस था, और मेरे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आए कि क्यों हम ऐसे बोलते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। क्यों हम ऐसे बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ लोग एथिस्ट होते हैं, वो भगवान में नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कि अरे सिर्फ यही होता है, ए वाली चीज़ ही होती है, बी वाली चीज़ गलत है, वो होती नहीं है। क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और क्यों हर चीज़ है? काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि हर चीज़ है, बट हर चीज़ सही में है। और इस बुक में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, कैसे, क्यों और क्या वजह है। बेसिक सार इस बुक का यही है कि जो भी तुम सोच सकते हो, जो भी कुछ भी है, वो सब कुछ है। ये इंडेक्स है इस बुक का, और इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे फॉरएवर बींग्स ही लगा, क्योंकि इनिशियली मैंने कुछ और सोचा था फॉरएवर बींग्स में लिखने के लिए, बट आई डोंट नो हाउ, लिखते लिखते जस्ट कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया और कुछ और रिजल्ट निकल के आया, और फिर मुझे वो चीज़ बहुत सही लगी। सो येस, बाकी सारे चैप्टर्स तो हैं ही बहुत इंटरेस्टिंग, और सभी में कुछ ना कुछ डीप मीनिंग है, बट फॉरएवर बींग्स डेफिनेटली इन सब में से मेरा फेवरेट है। बट येस, जो भी बुक पढ़ेगा मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छा लगा और क्यों, ठीक है? और ये बुक जो है ये अमेजोन पे अवेलेबल हो गई है 123 रुपीज़ के लिए, तो आप ले सकते हैं, ठीक है? और हाँ, मैंने एक और बुक लिखी है, उसकी मैं पिक्चर यहाँ पे कहीं दिखा दूंगी, हाउ टू विन विद डिप्लोमेसी, पर अभी मेरे को वो रिसीव नहीं हुई है। मैंने ऑर्डर किया है प्लेस उसका, तो जैसे ही रिसीव होगी उसकी भी एक वीडियो एक्सप्लेन करते हुए मैं बना दूंगी कि क्या है उसमें बुक में, बट उसका भी और इस बुक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है? सो येस, एंड आई होप कि आप सभी को मेरी बुक्स इसी तरीके से अच्छी लगती रहें, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी बुक्स के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू या बातों के थ्रू आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है? तो आज की वीडियो इसी उम्मीद के साथ कि ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग डेवलप करने के लिए, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो यहीं पे आज समाप्त होती है।